12 जनवरी वर्ष 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ। वे वेदांत के प्रसिद्ध और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु रहे। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की पताका लहराकर भारत लौटे। युवाओं को संबोधित करते हुए उनके कुछ संदेश मशहूर हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, उन्हीं का दिया हुआ संदेश है। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी वर्ष 1886 में नीली सेन गुप्ता का जन्म इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में हुआ। उनका वास्तविक नाम एडिथ एलेन ग्रे था। वर्ष 1909 में जतीन्द्र सेन गुप्ता से शादी करने के बाद वे नीली सेन गुप्ता बनी। विदेश में कानून की पढ़ाई करने वाले जतीन्द्र एक सफल वकील थे। नीली सेन गुप्ता उन प्रमुख ब्रिटिश महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने विदेशी होते हुए भी भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नीली के जीवन में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। आज़ादी की लड़ाई के खातिर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1973 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया।